हेलो टू माय फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स, वेलकम टू दिस चैनल एनडी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। आज की क्लास में हम शेप एंड फॉर्म की स्टडी करेंगे। शेप, फॉर्म एंड स्पेस की स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी एंड यहाँ भी हम शेप एंड फॉर्म की स्टडी करेंगे। वो फर्स्ट पार्ट था एंड ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। तो शेप एंड फॉर्म, सिंपली बोले तो शेप एंड फॉर्म क्या होता है? तो शेप मीन्स 2D एंड फॉर्म मीन्स 3D। एंड फैशन डिजाइनिंग में भी शेप एंड फॉर्म का मतलब भी यही होता है। शेप 2D को बोलेंगे एंड फॉर्म 3D को बोलेंगे। तो सिंस फैशन डिजाइनिंग में हम ड्रेसेस की बात करते हैं, तो ड्रेसेस में शेप एंड फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो देखिए आप। ड्रेसेस में जैसे हम शेप को यूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही टाइप्स की ड्रेसेस होती हैं। जैसे ड्रेसेस की शेप क्या है? मीन्स सिंपल आकार, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो जो हमारे ड्रेस की आकार है, वही डिफरेंट टाइप्स की हमारे ड्रेस की आकार होती है, शेप होती है। शेप का यूज हम ड्रेसेस में इस तरह से भी करते हैं, नेकलाइन के थ्रू। हम डिफरेंट नेकलाइंस का यूज़ करते हैं ड्रेस में, जैसे राउंड नेकलाइन, वी नेकलाइन। सो इस तरह से हम डिफरेंट नेकलाइंस के थ्रू भी शेप का यूज कर पाते हैं फैशन डिजाइनिंग में। एंड एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग के थ्रू भी हम शेप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कोई ड्रेस है, उस पर हम कोई शेप बना दें, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, ट्रायंगल बना दें, तो इन डिफरेंट शेप का यूज हम इस तरह से पेंटिंग के थ्रू या एम्ब्रॉयडरी के थ्रू भी अपने ड्रेसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मीन्स 3D, जैसा कि आपको पता है। तो फॉर्म मीन्स 3D। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में है, तो उसे हम फॉर्म बोलेंगे। एंड फैशन डिजाइनिंग में कोई ड्रेस है एंड उस पर कोई ऐसा डिज़ाइन है, वर्क है, जो कि 3D में लुक आ रहा है, एक रियलिस्टिक लुक क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम फॉर्म बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लो कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है या फिर फैशन रनवे के लिए आपको एक थीम दिया गया है, बटरफ्लाई, एंड उसमें आपको दो एलिमेंट्स का यूज करना है, शेप एंड फॉर्म। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो जैसा कि बटरफ्लाई, आपको पहले बटरफ्लाई के बारे में सोचना है, कैसी होती है, क्या बटरफ्लाई और शेप का यूज़ करना है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हो, कोई ड्रेस ले सकते हो जिसकी नेकलाइन पे बटरफ्लाई का डिज़ाइन हो, या फिर आप ये कर सकते हो कोई ड्रेस हो जिस पे बटरफ्लाई के प्रिंट्स हो, जो कि 2D में होंगे, तो वो शेप का आपने वहाँ पे यूज कर लिया। एंड वैसे ही अगर आपको फॉर्म का, फॉर्म में आते हैं, तो वहाँ पे आपको 3D का यूज़ करना। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, बटरफ्लाई भी है इसमें एंड ये 3D फॉर्म में भी है। तो कोई भी देख के ये समझ जाएगा कि आपने बटरफ्लाई का थीम है, आपका बटरफ्लाई से रिलेटेड है एंड आपका ये 3D में है, तो ये फॉर्म का भी यूज हो गया। तो इस तरह से आप शेप एंड फॉर्म को, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, जैसा कि ये ड्रेस है, इसमें यहाँ हेड के पास जो डिज़ाइन है, ये ऑर्नामेंट बनाया गया है, ये 3D में है। या फिर ये आप दूसरी डिज़ाइन भी देखो, तो इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरीज हैं जो कि आपको दूर से ही लगेगी कि हाँ ये 3D में है एंड ये पास से भी 3D में ही है। रफल्स भी देखते हैं आप, तो जैसे कि 3D में ही लगते हैं। कुछ एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, लाइक उभरी हुई होती हैं, फ्लावर्स उस पर बने होते हैं या फिर कुछ भी, तो वो 3D में होता है, तो वो 3D में फॉर्म की तरह इस तरह यूज किया जाता है।